नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हॉटस्पॉट बने गया जिले में बैंकॉक निवासी संक्रमित पटना आ गया है। इन संक्रमित को बीवो कंपनी के एक अपार्टमेंट स्थित गेस्ट हाउस में आइसोलेट कर दिया गया है। अब ऐसे में एक बार फिर से बिहार के लोगों को कोरोना का डर सताने लगा है। गया जिले के सिविल सर्जन से आनन फानन में मिली सूचना के बाद पटना के सर्वेलेंस टीम उसकी खोजबीन में लग गई थी। उसके मिलने के बाद संक्रमित को वीवो कंपनी के एक अपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में आइसोलेट कर दिया गया है। संक्रमित व्यक्ति वीवो कंपनी का एक अधिकारी है। वो दलाई लामा के आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए बिहार आए थे। उन्हें पटना से बैंकॉक दिल्ली होकर जाना था। सिविल सर्जन विशेषज्ञों का मानना है कि चौथी लहर में राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई और बगल के राज्य यूपी के बजाय लहर का कारण बिहार से बोधगया में लगा जामवाड़ा बन सकता है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में सबसे अधिक 16 संक्रमित गया जिले में पाए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें 3 स्थानीय लोगों को छोड़ बाकी के सभी दूसरे देशों के रहने वाले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने देश में दस्तक दे दी है। इसके बावजूद बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोग बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। राजधानी में भीड़ वाले इलाकों में लोग एहतियात बरतते नहीं है। वहीं कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंकॉक निवासी संक्रमित को रोककर आइसोलेशन में रखने के बाद पटना की सर्वेलेंस टीम गेस्ट हाउस पहुंची और केयरटेकर ने उनके संपर्क में आए लोगों की सूचना मांगी है, लेकिन उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके संपर्क में आए गेस्ट हाउस के रसोईया का नमूना लेकर जांच को भेज दिया गया है। वहीं अब देखना होगा कि इसमें बैंकॉक निवासी इस संक्रमित से संपर्क में आए कितने लोग कोरोना संक्रमण अपना प्रभाव छोड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोक आवाज। धन्यवाद।